जय हिंद, मैं लाबा सिद्दीकी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो कि पिछले एक हफ्ता से बहुत चर्चा में है। इसके सामने आते ही पूरे देश में एक बार फिर से पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस में हुए बदलाव के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जिसका काम सीबीएसई के बुक्स और सिलेबस को डिज़ाइन करना होता है। 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीईआरटी ने अपने क्लास 12 के हिस्ट्री सिलेबस से मुगल एम्पायर नाम का चैप्टर हटा दिया है। ये बदलाव केवल क्लास 12 ही नहीं बल्कि क्लास 10th और 11th के भी सिलेबस में किए गए हैं। इन बदलाव में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 और स्वतंत्र भारत में राजनीति जैसी किताबों में भी बदलाव किया गया है। हिस्ट्री की बुक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से मुगल एम्पायर 16th और 17th सेंचुरी और उनके शासकों के इतिहास से जुड़े चैप्टर्स को हटाने का फैसला किया है। सिविक्स की बुक से यूएस हेजिमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और कोल्ड वॉर एरा जैसे चैप्टर्स को भी हटा दिया है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में जन आंदोलन का उदय, एक दल के प्रभुत्व का दौर, वामपंथी जनसंघ जैसे विषयों को भी हटा दिया है। इस बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चा गुजरात दंगे और राजधर्म जैसे चैप्टर्स को हटाने पर हो रहे हैं। और खास बदलाव में 11वीं की बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री में से सेंट्रल इस्लामिक लैंड, संस्कृतियों का टकराव और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर्स को भी हटाया गया है। अगर बात करें हिंदी सिलेबस में हुए बदलाव के बारे में तो उसमें हिंदी आरोह भाग 2 की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल और अंतरा भाग 2 की किताब से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता मुझे गाने दो को भी हटा दिया गया है। 10वीं की किताब से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी जैसे चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। तो अंत में सवाल ये आता है कि ये जो बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार और इसके सिफारिशों के आधार पर ही किया गया है, तो फिर इसे लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे के पॉसिबल रीजंस। एनसीईआरटी सिलेबस में हुए बदलाव पर विपक्ष का कहना है कि वर्तमान सरकार अपनी विचारधाराओं को सिलेबस पर थोप रही है और अपने द्वारा अतीत में की गई गलतियों को छिपाने का भी प्रयास कर रही है। नए सिलेबस में गुजरात दंगे और राजधर्म जैसे टॉपिक्स को हटाना इन्हीं कोशिशों में से एक है, जबकि इस मामले पर केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है और इस बदलाव में नई शिक्षा नीति के अनुसार ही सब कुछ किया गया है। इस पूरे मामले पर एनसीईआरटी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर सिलेबस में बदलाव किए जा रहे हैं और ये बदलाव 2023-24 के सत्र से लागू हो जाएंगे। इन बदलाव के पीछे एनसीईआरटी का तर्क है कि हमारी कोशिश सिलेबस को 30% तक कम करने की है, जिससे कि छात्र प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन पर भी ध्यान दे पाए। सबसे बड़ा सवाल जो कि अध्यापकों ने उठाया है वो ये है कि जो छात्र नीट और जेई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या? उन्हें भी तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से अब उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहारा लेना पड़ेगा, जिसका बोझ उनके माता पिता पर सबसे ज़्यादा आएगा। क्योंकि आज जब पूरा विश्व आधुनिक हो रहा है और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो हमें भी उन चीज़ों के लिए जो भी ज़रूरी कदम है उसको उठाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस टॉपिक के बारे में और इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद।